हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन। देखिए, हमने कल आप लोगों को नंबर ऑफ लोक्यूल्स इन द ओवरी के बेस पे, मतलब लोक्यूल्स के बेस पे ओवरी का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। अब आप लोग का अगला टॉपिक है प्रेजेंटेशन। सबसे पहले समझ जाइए प्रेजेंटेशन क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्रेजेंटेशन। मतलब कहने का ये है कि जो आपकी ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, ओव्यूल्स मतलब ओवरी जो होती है वो फीमेल का मेन पार्ट होती है प्लांट में, फ्लावर में, और उसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल होते हैं। वही ओव्यूल जो है आगे चलकर फल की बीज बनाते हैं। तो वो जो ओव्यूल्स ओवरी के अंदर अरेंजमेंट उनका होता है, उसी अरेंजमेंट को हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं। और उसी के बेस पर प्लेसेंटेशन को प्लांट किंगडम में 6 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए, पहला प्लेसेंटेशन का टाइप है मार्जिनल। मार्जिनल देखिए, नाम से ही लग रहा है मार्जिन पे जो होगा। तो जैसे आप लोगों ने मटर में देखा होगा, मटर में किनारे किनारे दाने लगे होते हैं, मतलब एक लाइन से मार्जिन में दाने लगे होते हैं। तो इस तरह का प्लेसेंटेशन जो होता है उसको हम लोग मार्जिनल कहते हैं। मोस्टली ये लेग्यूम्स फैमिली के उसमें आता है। लेग्यूम्स मतलब होता है दलहन फसलें। तो जितने भी दलहन फसलें होती हैं उनकी फैमिली में, या लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो मार्जिनल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्साइल। एक्साइल में देखिए क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो मल्टीकार्पिलरी और सिनकार्पस होती है, और मल्टी लोक्यूलर होती है, मतलब एक से ज़्यादा लोक्यूल होते हैं। और इसके बाद इसमें जो आपकी ओव्यूल्स के अंदर, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो बीच में सेंट्रल एक्सिस से चारों तरफ बिखरे हुए फैले होते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है वो एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन कहलाता है। मोस्टली ये टोमेटो, सिट्रस प्लांट और चाइना रोज, मतलब हेबिस्कस वगैरह में इस तरह का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अगला है पार्शियल। पार्शियल में क्या होता है कि जो आपका प्लेसेंटेशन है उसमें जो ओवरी के अंदर लोक्यूल्स के अंदर जो चैम्बर होते हैं वो चैम्बर नहीं पाए जाते। मोस्टली ओवरी जो होती है वो यूनिलेक्युलर होती है, और उसके किनारे किनारे चारों तरफ जो है वो ओव्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग पार्शियल अरेंजमेंट कहते हैं। मोस्टली ये वाटरमेलन, मतलब उसमें तरबूज में, और कुकुरबिट्स मतलब कद्दू की जो फैमिली में जितने भी मेंबर आते हैं उनमें इस तरह का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अगला देखिए, अगला है आप लोगों का फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब होता है कि इसमें आपका जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होगा वो बीचों बीच में रहेगा, यूनिलोक्युलर इसमें भी ओवरी रहेगी और चारों तरफ ये अरेंज रहेगा। पार्शियल और फ्री सेंट्रल में बस फ़र्क इतना है कि पार्शियल में जो ओव्यूल्स हैं वो उसकी मार्जिन में अरेंज होते हैं, और फ्री सेंट्रल में बीचों बीच में अरेंज होते हैं, जबकि दोनों में ओवरी जो होती है वो यूनिलोक्युलर होती है। इस तरह का अरेंजमेंट मोस्टली जो है डायंथस और प्रिम्यूलर टाइप के प्लांट्स में पाया जाता है। ऐसा प्लेसेंटेशन फ्री सेंट्रल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेसल। बेसल में क्या होगा कि बेस पे पाया जाएगा। मोस्टली ये ओवरी भी यूनिलेक्युलर होती है, और मोस्टली इस तरह का प्लेसेंटेशन जो होता है वो मोनोकॉट के पौधों में पाया जाता है, जैसे सनफ्लावर हो गया, हेलियंथस इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो इस तरह की ओवरीज में पाई जाती है। उसके बाद लास्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में क्या होता है, एक से ज़्यादा मल्टी लोक्यूलर ओवरी होती है, और सब ओवरी के उसकी मार्जिन पे ओव्यूल्स जो होते हैं वो एक अल्टरनेट अरेंज होते हैं। तो इस तरह का प्लेसेंटेशन जो होता है वो सुपरफिशियल कहलाता है। अब देखिए फिगर से आप लोगों को अच्छे से इसमें समझ में आएगा। ये देखिए मार्जिनल, मार्जिनल में ये मटर है, और मटर में किनारे किनारे मार्जिन पे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो इस तरह की प्लेसेंटेशन मार्जिनल कहलाएगा। एक्साइल में देखिए मल्टीलोक्युलर ओवरी है लेकिन बीच में लगे हुए हैं, तो इस तरह का प्लेसेंटेशन एक्साइल कहलाएगा। उसके बाद पार्शियल में यूनिलोक्युलर ओवरी है लेकिन ओव्यूल्स जो है वो मार्जिन में लगे हुए हैं, तो ऐसा प्लेसेंटेशन पार्शियल कहलाएगा। फ्री सेंट्रल देखिए, ये भी यूनिलोक्युलर ओवरी है लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि इसके मार्जिन पे ना हो के बीच में रहेगा, फ्री सेंट्रल मतलब बीच में रहेगा, तो ऐसा अरेंजमेंट जो है वो फ्री सेंट्रल कह रहेगा। उसके बाद बेसल में क्या होता है, ये मोस्टली ये देखिए मक्के का एक दाना है, तो इसमें क्या है कि ये मोनोकॉट है, तो इसमें बेस पे बीच में नीचे बेस पे आपकी ओवरी अरेंज रहेगी, तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो बेसल कहलाएगा। और लास्ट है आपका सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में क्या होगा कि जो ओवरी है, ओवरी में कई सारे लोक्यूल्स पाए जाएंगे, देखिए कई चैम्बर पाए जा रहे हैं, मल्टी लोक्यूलर है, और ओव्यूल्स उसके अंदर जो है वो एक दूसरे के अल्टरनेट अरेंज है। मोस्टली इस तरह का आप लोगों ने नींबू के टीएस में देखा होगा, तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है वो सुपरफिशियल कहलाता है। तो इस तरह ओव्यूल्स के और उसके बेस पर, उनके ओव्यूल्स के अरेंजमेंट के बेस पर 6 टाइप के प्लेसेंटेशन होते हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक देखिए,
टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स मतलब ओव्यूल्स के प्रकार, मतलब ओव्यूल्स अब कितने तरीके के होते हैं। ओवरी आप लोगों ने पढ़ ली है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं वो उनकी माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल के बेस पर उनको भी 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब आप लोगों को ओव्यूल्स के टाइप पढ़ने हैं और उसी को फिगर के सहित उसमें समझाया गया है। पहला देखिए, पहला है ऑर्थोट्रॉपस। ऑर्थोट्रॉपस जो होता है, ये ओव्यूल जो होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में खड़ा हुआ होता है, मतलब ऊपर की तरफ इसका मुंह होता है। तो ऐसा अरेंजमेंट जो होता है वो ऑर्थोट्रॉपस या एट्रोपस कहलाता है। ये मोस्टली पॉलीगोनम में पाया जाता है। उसके बाद एनाट्रोपस, इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल का मुँह जो होता है वो नीचे की तरफ होता है और जो आपकी ओव्यूल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा श्रिंक होता है, बीच से दबा हुआ होता है और इसमें जो फ्यूनिकल होता है वो भी नीचे से अटैच होता है। तो ऐसा अरेंजमेंट जो होता है वो एनाट्रोपस कहलाता है। उसके बाद तीसरा टाइप देखिए, कैंपिलोट्रोपस। कैंपिलोट्रोपस में क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो कर्व्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है और माइक्रोपाइल का मुंह जो होता है वो ना ऊपर की तरफ होता है ना नीचे की तरफ, हल्का सा घुमा के नीचे की तरफ पाया जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग कैंपिलोट्रोपस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है चिनोपोडियम। उसके बाद नेक्स्ट है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में बिल्कुल बेड़ा बेड़ा पाया जाता है 90 डिग्री में और इसमें माइक्रोपाइल जो होता है वो फ्यूनिकल के 90 डिग्री के उस पे होता है और इसमें जो आपकी अंदर ओव्यूल होता है वो भी थोड़ा सा अंदर से दबा हुआ या कर्व होता है। इसका एग्जांपल है आपका प्रीमुला। उसके बाद नेक्स्ट अरेंजमेंट है आप लोगों का एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में जो ओव्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हॉर्स शू शेप्ड होता है और इसमें भी फ्यूनिकल नीचे से आता है और माइक्रोपाइल जो होता है उसका भी मुंह जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। ऐसा अरेंजमेंट आप लोगों को एलिस्मा में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस जो होता है ये बिल्कुल अलग टाइप का है। इसमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर गोल होता है बट इसमें माइक्रोपाइल जो होता है, माइक्रोपाइल का मुंह ऊपर की तरफ होता है और इसमें जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा वो बड़ा होता है। इसमें ये मोस्टली आप लोगों को एपिटिना और प्लुम्बैगो में पाया जाएगा। अब फिगर के ज़रिए समझिए कि कैसे ओव्यूल्स के टाइप दिए गए। देखिए ऑर्थोट्रोपस है, इसमें माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल नीचे, माइक्रोपाइल का मुंह ऊपर की तरफ है। ये अरेंजमेंट आप लोगों का ऑर्थोट्रोपस। एनाट्रोपस में नीचे की तरफ माइक्रोपाइल का मुंह है और फ्यूनिकल ये है आपका, तो इस तरह का अरेंजमेंट एनाट्रोपस हो गया। उसके बाद है कैंपिलोट्रोपस में, देखिए ये इस तरह घुमा हुआ है, थोड़ी सी कर्व्ड है, माइक्रोपाइल नीचे है और ये आप लोगों का थोड़ा सा फैला हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों का कैंपिलोट्रोपस हो जाएगा। लास्ट है हेमीट्रोपस। इसमें देखिए ये फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल माइक्रोपाइल के 90 डिग्री पे है और ये घुमा हुआ है, तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो हेमीट्रोपस कहलाएगा। उसके बाद एम्फीट्रोपस में क्या होगा, ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो आपका हॉर्स शू शेप्ड है, मतलब घोड़े की नाल की तरह है और ये माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है। ऐसा अरेंजमेंट एम्फीट्रोपस कहलाएगा। और लास्ट है आप लोगों का सर्सिनोट्रोपस। इसमें आपका फ्यूनिकल नीचे है, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है और आपका जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो गोल है, तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो सर्सिनोट्रोपस कहलाता है। तो इस तरह आप लोगों का ये दो टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक प्रेजेंटेशन और दूसरा टाइप ऑफ ओव्यूल। अब आप लोगों को इसको फिगर बना के नोट्स कंप्लीट करनी है। अगला टॉपिक हम आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।